Hello students, how are you? I hope you all are well at your home during this lockdown time and you are doing well at your home. You obey your parents and I am Rekha Sharma, your class teacher. In front will be the online class and today I will teach you English subject. In English subject, we will do oral practice of alphabets and after that we will join A to Y alphabets and one picture will come in front of us. Hum यहाँ मैंने अल्फाबेट्स लिखे हैं तो हम डॉट टू डॉट मिलाते हुए अल्फाबेट्स को मिलाएंगे तो यहाँ एक पिक्चर बनेगी. मैंने यहाँ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों लिखे हैं. कैपिटल लेटर का भी आप लोगों का वर्क चल रहा है, रिटन प्रैक्टिस चल रही है. स्मॉल लेटर्स मैंने लिखे हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन, ताकि आप इनको आइडेंटिफाई कर पाए और जब आपको रिटन वर्क करना हो, रिटन प्रैक्टिस करें तो आप जल्दी इनको सीख सकें. हर अल्फाबेट के साथ कैपिटल लेटर के साथ मैंने स्मॉल लेटर लिखा है ताकि आपको पता रहे जैसे ये ए है तो इसको स्मॉल लेटर में कैसे लिखेंगे, ये बी है इनको स्मॉल लेटर में कैसे लिखेंगे, सी का स्मॉल लेटर कौन सा है, डी का कौन सा है, ई का, एफ का, इस तरीके से. जब आप स्मॉल लेटर सीखेंगे तो काफ़ी जल्दी लिख पाएंगे इसको, क्योंकि अभी आप जब ओरल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ए टू जेड कैपिटल लेटर्स के स्मॉल लेटर किस तरीके से लिखे जाते हैं और कौन से हैं. तो जब आप रिटर्न वर्क करेंगे तो आप जल्दी इनको सीख जाएंगे. ओके, नाउ वी विल डू आवर प्रैक्टिस ऑफ अल्फाबेट्स एंड यू विल स्पीक विद मी एंड पुट योर फिंगर ऑफ हैंड्स अंडर दैट अल्फाबेट फॉर आइडेंटिफिकेशन. ओके, यस, ईच एंड एवरी अल्फाबेट हैज मैनी मीनिंग्स बट वी विल डू ऑल प्रैक्टिस with 1 minute. A for apple. Apple means say. B for ball. Ball means can. C for cat. Cat means Billy. D for dog. Dog means Kutta. E for elephant. Elephant
डॉट्स बनानी है और उन डॉट्स के ऊपर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ये लिखना है और फिर डॉट टू डॉट मैच करते हुए इस तरीके से एप्पल की पिक्चर बनानी है। ये बन गई आपको एप्पल की पिक्चर। ये आपको अपनी नोटबुक में बनाना है इंग्लिश की होमवर्क में और मुझे पिक सेंड करेंगे इसकी ओरल प्रैक्टिस के बाद। क्या स्टूडेंट्स लुक एट हियर, नाउ वी विल डू मेस द सेम अल्फाबेट। मैंने यहाँ दो साइड अल्फाबेट्स लिखे हैं, हमें एक जैसे अल्फाबेट्स को मिलाना है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस अल्फाबेट, व्हिच इज दिस अल्फाबेट? यस, जेड फॉर जेब्रा। सो इन फ्रंट देम वेयर इज जेड फॉर जेब्रा? यस यस, सो वी विल मैच जेड टू जेड। नेक्स्ट बी, बी फॉर बोर्ड। वेयर इज बी फॉर बोर्ड? यस, वी विल मैच। नेक्स्ट Y, Y for yeah. So can you tell me where is Y for yeah? So we will get Y for yeah. Next, yes, T for tiger. Where is T for tiger? Yes, under Y. T for tiger. ये सभी अल्फाबेट्स आप तभी मैच कर पाएंगे जब आप सभी अल्फाबेट को आइडेंटिफाई करेंगे और जब भी आप ओरल प्रैक्टिस करें अल्फाबेट्स की तो उनको अपनी उंगली या पेंसिल रखते हुए उनको बोलें, उनको याद करें, तभी आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इस तरीके से आइडेंटिफाई पिक्चर्स, आइडेंटिफाई अल्फाबेट एंड मैच सेम अल्फाबेट ये सभी वर्क कर पाएंगे। अब है होमवर्क, आपको एप्पल बनाना ड्रॉ करना है और ए टू एस अल्फाबेट्स आज आपको लिखने हैं। ए टू एम अल्फाबेट्स लाइक दिस आपको डॉट्स बना के देंगे मम्मा और आप डॉट टू डॉट मैच करेंगे। लाइक ए, ए फॉर एप्पल और बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो कैपिटल लेटर्स के ऊपर कितनी लाइन आती है। फोर टाइम्स की आपकी लेकिन 1 2 3 ये कैपिटल लेटर्स ओनली 3 लाइंस को टच करते हैं, फोर्थ लाइन ब्लैंक होती है। सो ये जो आप ए टू एम अल्फाबेट्स लिखेंगे ये इसी तरीके से ऊपर की 3 लाइन में लिखने हैं आपको। आफ्टर है यू विल राइट बी, आफ्टर बी यू विल राइट सी विद मैच डॉट टू डॉट, आफ्टर सी यू विल राइट डी, आफ्टर डी ई यू विल राइट ई डॉट टू डॉट मैच, आफ्टर ई यू विल राइट एफ, आफ्टर एफ यू विल राइट जी, आफ्टर जी यू विल राइट एच, आफ्टर एच आई, आफ्टर आई जे, आफ्टर जे के, आफ्टर के एल, आफ्टर एल यू विल राइट एन। ये तो आपको डॉट टू डॉट मिलाते हुए इस तरीके से करना है। ये 2 3 लाइंस में आ जाएंगे आपके अल्फाबेट ए टू एन और बाकी की लाइंस में आपको एन टू एस फुल पेज वर्क करना है आपको। फर पेज आफ्टर एन एन इस तरीके से डॉट बनेंगी और फिर आप डॉट टू डॉट उनमें आपको एन टू एस अल्फाबेट्स की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। आफ्टर ऑफ यू विल राइट हियर पी,
पेज नोटबुक में करना है। अल्फाबेट्स, जैसे मैंने वीडियो में आपको एक एप्पल बनाना सिखाया है, ए टू के अल्फाबेट्स को डॉट टू डॉट मैच करते हुए मिलाते हुए उनको एप्पल की पिक्चर बनानी है, और ए टू एस अल्फाबेट्स की आज आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक में। होमवर्क में आपको ये वर्क करना है, फुल पेज वर्क करने के बाद आप मुझे उसकी पिक सेंड करेंगे अपने होमवर्क की। सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स का कहना मानना है, उनके पास बैठ के पढ़ाई करनी है, ओरल प्रैक्टिस करनी है, रिटर्न वर्क करना है, होमवर्क करना है। सभी बच्चे लिखना सीखेंगे, है ना, तभी आप आगे सीख पाएंगे। और अपना होमवर्क करने के बाद रोज़ाना आप मुझे अपने होमवर्क की पिक भी सेंड करेंगे। इज दैट क्लियर? से यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।